अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होगा और अल्लाह की फजल व करम से होगा। आज एक और न्यू और ख़ूबसूरत रिश्ते के साथ हाज़िर हो चुका हूँ जिनकी उम्र 18 साल है और ये तलाक़ की याफ्ता है। इसी वीडियो में उनकी कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप इनके साथ बआसानी रब्ता कर सकें। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है। उससे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बरवक्त मिल सके। और दूसरी बात यह है कि जिस बहन भाई ने हमें इश्तिहार देना है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें तो आपकी कमेंट्स देख के इंशाल्लाह आपके कमेंट्स में पढ़ के आपसे ज़रूर रब्ता कर लूँगा। इसी तरह इश्तिहार लगेगा जैसे ये इश्तिहार में लगाता हूँ, लेकिन इस इश्तिहार का कोई चार्जेस और कोई फीस नहीं होगा। जो काम होगा अल्हम्दुलिल्लाह सच सच और पीस हबीलल्लाह होगा, जिसका कोई चार्जेस नहीं होगा। मज़ीद आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, वीडियो की तरफ चलते हैं। और इस वीडियो में उसी लड़की की नंबर आपको मिल जाएंगे जो शादी करना चाहता है। तो लिहाजा उससे पहले मैं आप लोगों को इनकी डिटेल सुनाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ये लाहौर मेन शहर से ताल्लुक़ रखती है। इनकी उम्र 18 साल है। जो ये तलाक़ याफ्ता है, इनका कहना है कि एक साल हुआ मैंने शादी किया किसी लड़के के साथ, कोर्ट मैरिज किया था, एक साल तक मेरा साथ रहा, लेकिन हमें आमला करके यानी मेरा पेट में बच्चा था तो इसलिए वो शख्स मेरे से भाग चुका है। अभी मैं शर्मिंदगी की वजह से मजबूर हो चुका हूँ, किसी रिश्तेदारों के घर में रहती हूँ, लिहाजा अब मैं मजबूर हूँ। मैं जल्द से जल्द किसी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकता हूँ, तो लिहाजा वो भी मेरे लिए इस टाइम और परेशानी का सामना होता है। अगर जिस भाई को भी ये रिश्ता मंजूर है या किसी भाई ने भी इनके साथ शादी करना चाहता है तो ये इनकी कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनके साथ बआसानी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो भाई इनके साथ शादी नहीं करना चाहते तो लिहाजा खुदा रहा आप इन्हें तंग ना करें, आप इन्हें गलत कमेंट्स ना करें। और बहुत सारी शिकायत ये आता है कि लोग मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और गलत कमेंट्स करते हैं, तो लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इनसे गलत रब्ता ना करें। और हर किसी की माँ बहन है, लेकिन इनका भी ऐसी इज्जत रखनी है जैसी अपनी माँ बहन होती है, लिहाजा ये मजबूर होकर मीडिया पर आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल्स पर आप नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और सबसे पहले मिल सके। अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।